उसके बाद साउथहैम्पटन अपकमिंग कैंपस। तो ये एक नया एक एक शुरू हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर कमिंग टू इंडिया एंड ओपनिंग देयर कैंपसेस हियर एंड गेटिंग द स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ एक यूनिवर्सिटी है उसका इंडिया में अब ये कैंपस खोलेगा। साउथहैम्पटन कॉलेज साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, गुड़गांव के अंदर ही कैंपस खोला जाएगा, मैंने कल भी बताया था आपको। और ये कैंपस जो होगा इसका एडवांटेज ये है कि इंडिया के अंदर इसमें पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई वहां वाली होगी और यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली यही सारी चीजें होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन अपकमिंग कैंपस इन गुड़गांव रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एक्सपेंशन द इंटरनेशनल एजुकेशन विद इन इंडिया द डेवलपमेंट अलाइन विद द बॉर्डर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच सीक्स टू एलिवेट इंडियाज एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद इन द कंट्री। तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कंट्री में प्रोवाइड करना है उसके लिए साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस को जगह दी है। तो गुड़गांव के अंदर ये कैंपस होगा। की डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन गुड़गांव कैंपस क्या है, लोकेशन एंड टाइमलाइन। कैंपस विल बी सिचुएटेड इन द गुरुग्राम पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल एनसीआर दिल्ली एनसीआर के अंदर। एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑपरेशंस आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्टेड इन जुलाई 25 के अंदर ये इसके प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। कोर्सेज ऑफर्ड कैंपस विल प्रोवाइड अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंप्यूटिंग लॉ इंजीनियरिंग आर्ट एंड डिजाइन बायो साइंस एंड लाइफ साइंसेज। डिग्रीज अवार्डेड बाय द कैंपस विच होल्ड द सेम वैल्यू एज दोज कन्फर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथहैम्पटन इन द यूके। तो इसका मतलब यह है कि यूजीसी के नाम्स के परे जाके ये साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो यूके जो देती है उसी डिग्री की इंपॉर्टेंस रहेगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव्स फैसिलिटेटेड बाय द यूजीसी अंडर रहेगा उसके रेगुलेशंस व्हिच वर नोटिफाइड बाय द नवंबर 23 अलाउइंग फॉर एन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश कैंपस इन इंडिया। तो इसका मतलब यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोली जाएंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द इनिशिएटिव एड्रेसिंग एजुकेशनल बैरियर्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कैंपस विल हेल्प एड्रेस चैलेंजेस सच एज visa restrictions and uncertainties related to the employment of Indian students seeking education abroad. There is possibility कि आने वाले time के अंदर India और UK के बीच में जो FTA है वो sign हो जाए, उसके बाद ये हैं Indian students वहाँ के students India में आ सकते हैं। Quality of education India में improve होगा। Significance of the initiative addressing educational barriers establishment of this campus will help address challenges such as visa restrictions and uncertainties related to the employment of Indian students seeking education abroad. Access to international education, students in India will have the opportunity to access top tier international education without the need of leave of the country. Contribution to the knowledge economy, the campus aims to produce graduates who are ready to meet the demands of the global job market, thereby contributing to the India's growth knowledge in the economy. So there is possibility, आने वाले time के अंदर Indian students इस तरफ inclined हो गए, foreign universities से बाहर जाके पढ़ते थे, India में ही उनके लिए opportunity होगा, parents का पैसा भी बचेगा, international level की ऊपर quality भी India में मिलेगी education की, और universities को भी फायदा, सरकार को भी फायदा, revenues आएंगे। Conclusion, University of Southampton, new campus is Gurgaon. Strategic move that reflects the growing collaboration between India and leading global education institutions. It underscored the India's government commitment to enhancing the quality education and making world-class learning opportunities accessible domestically. फलाना फलाना जो भी इसके अंदर है। अब देखो बेटा, हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया कि जापान ने अपने यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जापान में वोकेशनल कोर्सेज को इंक्लूड करना, स्किल डेवलपमेंट को इंक्लूड करना जापान 1894-95 में शुरू कर चुका था। तो इंडिया उसके लगभग 125 साल के बाद इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये भी हमारे यहाँ पे अचीवमेंट है क्योंकि एशियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है। हालांकि इंडिया में एम्स है, IITs हैं, उनकी आने से चीजें बेटर तो हुई हैं, पर फिर स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम क्योंकि उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसको पास करेंगे तब वहां पे नीट का आपका एग्जाम क्लियर होगा, जी का एग्जाम क्लियर होगा, तब आप वहां पे पहुंचेंगे। तो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स वहां नहीं पहुंच पाते, तो जिनको MBBS करना है या जिनको मेडिकल फील्ड जिनको ऑप्ट करना है, जिनको इंडिया में सीट नहीं मिलेंगी, ऑब्वियसली बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, बाहर जाएंगे वहां डिग्री करेंगे, फिर इंडिया में आएंगे एग्जाम देंगे, उसके बाद इंडिया में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। ये इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बाहर है, बाहर जाते हैं, वहां का टेस्ट देते हैं, वहां पर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग वहां जाके डिग्रीज करते हैं, मास्टर अपनी वहां जाके करते हैं, तो फिर उसके बाद वहीं पर रह जाते हैं। इंडिया बहुत कम लोग आते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। सो दैट इज द पॉइंट।